क्या है? आप कहाँ आ गई? मैं शूटिंग कर रही हूँ यहाँ पे, आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग दूसरे शूट पे आए थे। अच्छा, तो सोचा देखा आपका वैनिटी में आपका नाम देखा तो हम लोग रुक गए। ओके, क्या बात है, मैं अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। वैसे मैं चाह रही थी कि आप लोगों के लिए सरप्राइज रहे, लेकिन आप लोगों ने सरप्राइज दिया है मुझे यहाँ सर। तो नहीं, प्राइज आप देंगे। तो रानी एक मिनट इस तरफ घूम जाओ, 10 मिनट घूम लगाएंगे, एक मिनट को कैमरे के आगे चले जाओ, ऐसे वीडियो बस ऐसे खड़े रहो, खड़े वीडियो ले, एक मिनट ऐसे वीडियो लेते, एक मिनट। वाह, कुछ तो धमाका करने वाली है लगता है। टर्न करो, टर्न करो एक बार। हाँ, नया लुक रानी जी का, पहली बार ना। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से ट्रेडिशनल लुक में हूँ और ये सरप्राइज है, मेरा एक बहुत ही अच्छा गाना आने वाला है। माइक मेरा लेना है अभी, बोलो बाद में। एक मिनट इधर ही आ जाओ, एक मिनट कट कर लो, विजुअल ले ले लुक में, पूरा सतरंगी लुक में। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से ट्रेडिशनल लुक में हूँ और ये सरप्राइज है मेरे सभी दर्शकों के लिए, आपके लिए। मेरा पहला हिंदी सॉन्ग आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैं उसी की शूट कर रही हूँ यहाँ पे और मैं आप सभी को देखकर काफ़ी सरप्राइज हूँ यहाँ पे। कौन सा बैनर से? अपेक्षा फिल्म से आ रहा है मेरा सॉन्ग, मेरा पहला हिंदी गाना होगा। आप सभी की विशेष चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे बहुत भोजपुरी गाने देखे हैं, मैंने पंजाबी भी किया है, बट ये पहली बार हिंदी में मैं नज़र आऊँगी। अच्छा रानी, सब कुछ कर चुके हैं अभी तो, OTT में काम किए, फिर बिग बॉस का क्या मतलब ख्याल है आपका, बिग बॉस जाने के लिए? अभी बिग बॉस जब आएगा तब तो देखेंगे। लेट्स सी, आज का ड्रेस बहुत खूबसूरत है, किसने बनाया? ड्रेस बनाया है अर्पिता ने। 9 लाख 9 करोड़। मैं सच कहूँ, ये जो लहंगा है बहुत ही हैवी है, क्योंकि जो गाना है वो काफ़ी ट्रेडिशनल डांस नंबर है, तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ पहना जाए रानी को, क्योंकि मेरा पहला हिंदी गाना है तो थोड़ा सा तड़का लगेगा उसमें। ये नाक का क्या बोलते हैं इसको? हमारे भोजपुरी में तो उसको नथुनिया बोलते हैं, लेकिन हिंदी में आई थिंक इसको नोज रिंग बोलते हैं। तो रानी जी, आपको अवार्ड मिला है अभी बेस्ट एक्ट्रेस का लखनऊ में, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, श्रीमान श्रीमती के लिए दिया गया है मुझे अवार्ड। वो रोल के लिए अवार्ड मिलना लाजमी था मेरे लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट था और मैंने आई थिंक अच्छे से किया, दैट्स वाई क्रिटिक्स ने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस चुना। आई एम वेरी हैप्पी। और दूसरा, वहाँ पे दर्शकों ने ये कहा कि सनी लियोनी का भी परफॉर्मेंस था आपके बाद में, लेकिन वो फीका पड़ गया आपका परफॉर्मेंस। अरे नहीं, सनी लियोनी बहुत अच्छी लगती हैं यार, कितनी फिट हैं, इतनी खूबसूरत हैं, मैंने बस अपना 100% दिया। अगर लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं तो बॉलीवुड में आ रही थी, क्या उनको टक्कर देने वाली हैं? नहीं नहीं, मैं किसी को कोई टक्कर नहीं दे रही हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये गाना मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ऑडियंस ने जितना मुझे भोजपुरी में प्यार दिया है, मेरे पहले हिंदी गाने को भी उतना ही प्यार देंगे, एंड आई होप कि मैं दी बेस्ट करूँ इसमें। हाल ही में आप था कपिल शर्मा के शो पे गई थी, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कपिल के शो में मैं सेकेंड टाइम गई हूँ और नो डाउट कपिल के शो में बहुत मज़ा आता है, इतना हंसने को मिलता है। कपिल और उसकी पूरी टीम, अर्चना जी, इनफैक्ट प्रोड्यूसर नदीम, जितनी पूरी टीम है, कृष्णा, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आया मुझे और एपिसोड बहुत कमाल का है, बस इसी हफ्ते टेलीकास्ट है, ज़रूर देखिएगा। कंगना रनावत का चेंज है आपका इस लुक के लिए, कुछ और फिल्म के लिए भी आपने चेंज किया, ये तो ठीक है, गाने की बात है, हेयर स्टाइल वगैरह बालों का ये सब? बिल्कुल चेंज किया है, आप मेरा हेयर स्टाइल देख रहे होंगे, डिफरेंट है, मेकअप डिफरेंट है, हेयर कलर डिफरेंट है। इस गाने के लिए बहुत तैयारियाँ की है, आप लोगों ने हाल ही में मेरा एक वीडियो भी देखा होगा, इस गाने के रिहर्सल पर मैं गिर गई थी और मेरे पैर में मोच आ गई थी, लेकिन फिर भी हमने रिहर्सल कंप्लीट की। इस गाने के लिए बहुत तैयारियां की है मैंने, क्योंकि मेरा पहला हिंदी गाना है, मैं चाहूँगी, लोगों ने मेरे डांस को हमेशा बहुत प्यार दिया है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरा 100% दूँगी इस गाने में, बहुत मेहनत की है, रिहर्सल्स की हैं, पैर में स्वेलिंग थी उसके बावजूद मैंने रिहर्सल की और आज मैं सेट पे हूँ। आई होप कि आज ऐसा कुछ ना हो, आज मैं दी बेस्ट करूँ। ये सरप्राइज है बाबा, गाने का नाम तो बता ही सकते नहीं, ये सिर्फ तो सरप्राइज कैसा रहेगा, सरप्राइज है, गाना बहुत जल्दी आ रहा है। लास्ट क्या कहेंगे दर्शकों की, दर्शकों को आप क्या कहेंगे? मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगी कि दोस्तों, मेरी इतनी सारी फिल्मों को इतना प्यार दिया है और अब फाइनली मैं हिंदी में आ रही हूँ, सो मेरा पहला हिंदी गाना आ रहा है अपेक्षा फिल्म्स की तरफ से, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा और सुपर डुपर हिट कीजिएगा। थैंक यू। एक इंटरव्यू करना मुझे अलग से। आज स्पेशली बॉलीवुड के लिए आपने स्टार्ट किया है, तो क्या आगे चल के भी
बॉलीवुड में करेंगे सिर्फ भोजपुरी में लग रहे हैं? नहीं, मैं तो बहुत पहले से ही सब मिक्स कर रही हूँ। पंजाबी भी की मैंने, मैं भी बहुत जल्दी मराठी भी करने वाली थी बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। बट हिंदी की OTT पे तो मैं कर ही रही हूँ, बट एज अ डांसिंग नंबर मेरा पहली बार नजर आएगा हिंदी में। सो कल आपका एक सोशल मीडिया पर खेसारी के साथ फोटो वायरल हुआ, कहाँ का था और क्या कर रही थी? वो शो का था यार, क्या कर रही थी मतलब नेपाल के शो का था। बहुत मज़ा आया खेसारी जी के साथ वहाँ पर। हम लोगों ने बहुत प्यार मिला हमको नेपाल से। नेपाल में थे हम लोग, करीबन 5-6 लाख पब्लिक थी वहाँ पर, प्रधानमंत्री जी भी थे नेपाल के। बहुत अच्छा रहा शो, बहुत सक्सेसफुल रहा शो, और खेसारी जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, मैंने बहुत अच्छे गाने पे परफॉर्म किया। डर नहीं लगा? नहीं, क्यों नहीं? आई लव नेपाल, मुझे नेपाल से डर नहीं लगता। जैसे कि कंगना रनौत का जब मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज आ गया है लॉकअप कर गए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेटली मैं जाने वाली थी बट मैं गई नहीं। अभी इस बारे में शायद मेरी टीम बोले तो ज्यादा बेटर होगा। थैंक यू।